निशा, हाय नीलिमा। ये तुमने क्या पहना हुआ है? ऐसे लगता है कि 1970s के गांव की बहू हो तुम। ये लुक लाइक अ ज्वेलरी स्टोर। यही हमारे संस्कार हैं और यही भारतीय सभ्यता है। तुम मेरी छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि तुम यूएस से कब आई? मैंने तुम्हें शादी का कार्ड भी भेजा था और बदले में तुमने ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया बोल के कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिल रही है। हाँ, उसका हिसाब तो मैं बाद में चुकता करूँ। पहले तुम ये बताओ कि तुमने मुझे खबर क्यों नहीं की कि तुम इंडिया आ रही हो? हाँ, माय गॉड, तुम्हारी हजार सवाल पूछने की आदत अभी तक गई नहीं है। मैं इंडिया आते ही सीधा एयरपोर्ट से यहाँ तुम्हारे घर आ गई। अच्छा किया, तुम मेरे साथ ही रुक रही हो ना? क्यों, क्या हुआ? तुम कहीं और रुक रही हो? ऐसा कभी हो सकता है? अगर इंडिया आई हूँ तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर पर ही रुकूंगी ना। अच्छा किया। फातिमा दी, क्या ये हमारे साथ रह सकती है? ये भी कोई पूछने वाली बात है बेटा? ये भी तुम्हारा ही घर है, ये जरूर रह सकती है। मुझे मालूम था कि आप यही बोलेंगी, लेकिन कोई भी काम करने से पहले बड़ों की इजाजत लेना तो बच्चों का फर्ज होता है ना, तो मैं अपना फर्ज कैसे भूल सकती थी? निशा, ये हमारी माँ है फातिमा बी। हेलो, नमस्ते। और ये मेरी छोटी ननद गुंजन। फातिमा भी, ये मेरी बचपन की दोस्त है। ये लोग बहुत साल पहले यूएस शिफ्ट हो गए थे। निशा, तुम्हारा लगेज कहाँ है? वो मेरी लिटिल सिस्टर निकिता, वो लेकर आ रही है। वो भी आई है? मैंने सोचा इतने दिनों बाद इंडिया आ रही हूँ तो अपनी लिटिल सिस्टर को अपने साथ लेकर आती हूँ। वो उसको एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल आ गया था इसलिए बाहर रुक गई।